OB46 अपडेट के बाद आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि स्मार्ट गागा एंड्रॉइड 4.4.2 में फ्री फायर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस, आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको स्मार्ट गागा एंड्रॉइड 4 का एक बेस्ट वर्जन प्रोवाइड करने वाला हूँ। स्मार्ट गागा के इस अल्ट्रा लाइट वर्जन में आपको कोई भी एरर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। जस्ट आपने वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक जरूर से देख लेना है ताकि आपको इस तमाम प्रोसेस की अच्छी तरह से समझ आ सके। तो चलेगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने यह करना है कि इस एमुलेटर की फाइल का लिंक आप लोगों को पिन कमेंट में देखने को मिलेगा, जिसको आप लोगों ने सिंपली से डाउनलोड कर लेना है। ये एक जिप फाइल है जिसको अनजिप करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के पास सेकंड नंबर पे एक फोल्डर देखने को मिलेगा इंजन वाला। इस फोल्डर में इंटर होने के बाद अगर आप लोग स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास लॉन्चर वाली एक्सिप फाइल देखने को मिलेगी। सिंपली से आप लोग इस वाली फाइल का एक शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बना लेंगे। इस वाले शॉर्टकट को हम लोग स्मार्ट गागा लाइट फ्री फायर के नाम से रीनेम कर देंगे। रीनेम करने के बाद सिंपली से आप लोग इस पर डबल क्लिक करके स्मार्ट गागा को ओपन लेंगे। जैसे आप लोग स्मार्ट गागा में इंटर होते हैं तो आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने में मिलेगा। सबसे पहले तो इसमें जो एमुलेटर सेटिंग्स आती हैं, इनको आप लोग ओपन करेंगे। अगर आप लोग बेसिक वाले सेक्शन में आते हैं तो एग्जिट ऑप्शन में हम लोग एग्जिट डायरेक्टली को चूज करेंगे। एडवांस में आने के बाद रेजोल्यूशन में आप लोग टैबलेट को चूज करेंगे और यहाँ पे आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी रेजोल्यूशन वैल्यू चूज कर सकते हो। अगर सीपीयू कोर्स और रैम की बात की जाए तो इसको हम लोग 1 कोर और 1 GB RAM असाइन कर देंगे। रेंडरिंग मोड में आप लोग डायरेक्ट एक्स को चूज करोगे। अगर स्पीकर और माइक्रोफोन की बात की जाए तो आप लोगों के पीसी के साथ जो भी स्पीकर्स और माइक्रोफोन का सोर्स अटैच होगा उसको आप लोग चूज कर लेंगे। बाकी सेटिंग्स को बाय डिफॉल्ट ही रहने देंगे। सेव पे क्लिक करके एमुलेटर को एक बार रीबूट कर लेंगे ताकि जितनी भी हमने ये सेटिंग्स की हैं वो इस एमुलेटर में अप्लाई हो सके। एमुलेटर को रिस्टार्ट करने के बाद अभी हम लोग इसमें फ्री फायर को इंस्टॉल करने वाले हैं। मैं इस एमुलेटर में फ्री फायर की न्यू अपडेट OB46 का ग्लोबल वर्जन यूज करने वाला हूँ, जिसको अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहो तो इससे रिलेटेड वीडियो का लिंक आप लोगों को पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। जैसे फ्री फायर की न्यू अपडेट OB47 आएगी तो उसकी एपीके फाइल का लिंक भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। फ्री फायर इंस्टॉल करने के बाद अभी आप लोगों ने इसको ओपन नहीं करना। अगर तो आप लोगों का फ्री फायर का अकाउंट गूगल पे बना हो तो सिंपली से आप लोग एंड्रॉइड सेटिंग्स में जाके ऐड कर लेंगे। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप लोगों का फ्री फायर का अकाउंट फेसबुक पे बना हो तो सिंपली से आप लोग फेसबुक की जो एपीके फाइल है इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे आपके फेसबुक अकाउंट की जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो पुट करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फेसबुक ऐप को आप लोग बंद करेंगे एंड सिंपली से फ्री फायर को ओपन कर लेंगे। इस एमुलेटर में आप लोगों को फ्री फायर से रिलेटेड कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइस, जब तक फ्री फायर ओपन होती है, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोगों में से जितने भी लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। सैटरडे और संडे में अपने सेकंड चैनल पे लाइव करने वाला हूँ। अगर आप लोग मुझे लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन करना चाहो तो उस चैनल पे जाके ज्वाइन कर पाओगे। फ्री फायर ओपन करने के बाद अगर आप लोग मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग के पास वीके एंड गूगल दोनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर आप लोग फेसबुक पे क्लिक करते हैं तो आप लोग फेसबुक ऐप में रीडायरेक्ट होंगे और यहाँ पे आप लोगों का फेसबुक अकाउंट विदाउट एनी एरर लॉगिन हो जाएगा। इस एमुलेटर में आप लोगों को काफी कम लॉबी लैग देखने को मिलेगा। स्मार्ट गागा से रिलेटेड ये कुछ वीडियोस हैं जिनको देख के आप लोग स्मार्ट गागा में फास्ट रिमोट कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग इसमें वन टैप के लिए सेंसिटिविटी लेना चाहते हो तो उसके लिए वीडियो का लिंक भी आप लोगों को पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोगों के स्टाइलिश नेम्स शो नहीं होते तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। फिर भी गाइस, अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो या अगर आप लोगों को कोई भी चीज समझ ना आई हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हर कमेंट का टाइमली आंसर कर सकूं। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।